हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद सार्थक। सो आज है डे टू और अभी टाइम हो रहा है 2:40 AM और आज डेट है 29 दिसंबर 2021 और अभी टेम्परेचर हो रहा है बिलो ज़ीरो। एंड गाइड भैया से कह के मैंने दो स्लीपिंग बैग लिए थे ताकि नाइट में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो दी मॉर्निंग इज़ वेरी काम एंड रिलैक्सिंग। सो फ्रेंड्स, समिट के लिए ट्रैक जो है वो 3 o'clock स्टार्ट होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, गाइड भैया भी रेडी हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स, ट्रैक के लिए ड्रेसअप हो चुके हैं एंड ट्रैक स्टार्ट हो चुका है। जो अभी टाइम है वो है 3:15 AM और यहाँ से जो समिट का डिस्टेंस है वो है 7 किलोमीटर्स, जिसमें 5 किलोमीटर्स नाग टिब्बा टेम्पल तक का है एंड 2 किलोमीटर्स नाग टिब्बा टेम्पल से समिट तक का है। ड्यू टू नाइट शॉट्स आर नॉट क्लियर, डोंट वरी, वो मैं वापस आते टाइम सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा। सो फ्रेंड्स, हम लोग समिट के पीक पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हल्की सी स्नो भी पड़ी हुई है। अभी टाइम हो रहा है 6:55 AM, अराउंड हाफ आवर में सनराइज़ हो जाएगा। आपको बता दूं, यहाँ का टेम्परेचर अभी हो रहा है -4 डिग्री सेल्सियस। सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम 3,033 मीटर्स अबव द सी लेवल। आप देख सकते हैं अभी हल्का सा सनराइज आई है, बट अभी सनराइज होने में अभी टाइम है। और आपको बता दूं, इस पॉइंट से हमें बंदर की पूंछ एक पीक है उसका व्यू आ रहा है एंड यमुनोत्री ग्लेशियर का व्यू आ रहा है, जो कि अभी आपको मैं दिखाता हूं। आप देख सकते हैं सनराइज़ के व्यू को एंजॉय करने के लिए ट्रैकर्स कैसे बैठे हुए हैं। और सभी ग्रुप के गाइड्स ने आग जला दी है ताकि हम लोग को थोड़ा राहत मिल सके। वेदर बहुत ही ज़्यादा चिल्ड है। और आप देख सकते हैं सनराइज होना स्टार्ट हो चुका है। सो आप इस टाइम लैप्स को एंजॉय कीजिए। जो आप अभी देख रहे हैं वो एक्चुअली में यमुनोत्री ग्लेशियर है। चलो सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं अब हम नीचे उतर रहे हैं बेस कैंप के लिए और अभी टाइम हो रहा है 8 AM और जो हमारा सेकंड ब्रेकफास्ट है वो अब होगा नाग टिब्बा टेम्पल के पास। ट्रेल इज टू डिफिकल्ट, सो टेक केयर वाइल्ड ट्रैकिंग। सो आपको बता दूं, नाग टिब्बा इज़ द हाईएस्ट पीक इन लोअर हिमालयाज ऑफ गढ़वाल रीजन
फ्रेंड्स जैसा कि आप ग्रीन कलर का हट देख रहे हैं, वही कैंटीन है, वहीं पे हमारा ब्रेकफास्ट होगा और उसी के साइड में नाग टिब्बा टेम्पल है। और आपको बता दूं, जो नाग टिब्बा टेम्पल है वो नाग देवता का है। जो यहाँ के विलेजर्स हैं वो नाग देवता की पूजा करते हैं ताकि उनके जो जानवर हैं वो सुरक्षित रहें। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो स्क्वायर जैसा दिख रहा है उसी के आगे टेम्पल है, बट हम लोग ने बात वगैरह नहीं लिया सो इसलिए हम लोग जाएंगे नहीं वहाँ पे। और अगर आपने फर्स्ट ब्लॉग ना देखा हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। फाइनली हम लोग कैंटीन में पहुँच चुके हैं और मैंने आलू का पराठा विद चाय ऑर्डर किया। सो फ्रेंड्स, हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है। Say hi to camera. Hello. Hey, hi. अभी हम जिंदा हैं। रेगुलर अपडेट के लिए हमें इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं और हमारे पेज को लाइक भी कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं वो हमारा बेस कैंप देखने लगा है और हम लोग आई थिंक 15-20 मिनट्स में वहाँ तक पहुँच जाएंगे। फ्रेंड्स, वैसे आपको बता दूँ, इसी गेट से हमने ट्रैक स्टार्ट किया था बट नाइट थी इसलिए विजन क्लियर नहीं था, सो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। तो फाइनली हम लोग बेस कैंप पे पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर की हट जैसी दिख रही है वो हमारा बेस कैंप है। सो फ्रेंड्स, आपको बता दूं, बेस कैंप के पास शॉप्स भी हैं जिसमें आप खाने पीने का सामान ले सकते हैं। अगर आप एडवेंचर में इंटरेस्टेड हो तो आप बिकट पास 2022 का पैकेज भी ले सकते हैं। साइट ऑलरेडी गिवन है, इस पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, सो गो एंड जस्ट चेक इट आउट। एंड अभी टाइम हो रहा है 11:20 AM। यहाँ पे हम लोग 1 आवर रेस्ट करेंगे एंड देन लंच करेंगे, देन पंतवारी विलेज के लिए ट्रैक करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब टाइम हो रहा है 12:30 PM और हम पंतवाली विलेज के लिए निकल चुके हैं। यहाँ से जो डिस्टेंस है वो है 4 किलोमीटर्स पंतवारी विलेज का और अराउंड 1.5 आवर अप्रॉक्स लगेगा। सो आप देख सकते हैं ट्रेल कितनी डेंजर है और अगर आप ट्रैक कर रहे हैं तो काफ़ी केयरफुल रहें, स्टिक का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें जिस जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। देख सकते हैं कैंटीन एंड बेस कैंप के लिए जो भी सामान है वो इसके थ्रू जाता है। फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग पंतवारी विलेज पहुंच चुके हैं एंड अभी टाइम हो रहा है 1:50 PM। सो अब हम यहाँ पे बाथ वगैरह लेंगे, देन हम लोग देहरादून के लिए अराउंड
3 o'clock निकलेंगे। सो फ्रेंड्स, हम पंतवारी से निकल दिए हैं देहरादून के लिए। अराउंड 3.5 आवर लगेंगे। और आप देख सकते हैं हम लोग ने मसूरी को क्रॉस कर लिया है और वेदर काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। अगर आप इस ट्रैक को करना चाहते हैं जिससे मैंने किया है, तो उसका जो इंस्टाग्राम पेज है वो है trip.co। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने ट्रिप ऑर्गेनाइज़र का कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन किया है, आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है 7:20 PM और कैब ने हमें प्रिंस चौक पे उतारा है। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अब हम ISBT देहरादून के लिए निकल चुके हैं। सो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है 8:15 PM और हम लोग ISBT देहरादून पहुँच चुके हैं। दिल्ली के लिए बस ऑलरेडी लगी हुई है। सो आप देख सकते हैं अभी टाइम हो रहा है 10:45 PM और बस ISBT देहरादून से निकल चुकी है, जो कि अराउंड 5:30 AM मॉर्निंग में पहुंचाएगी दिल्ली में। सो फ्रेंड्स, गुड नाइट, अब आपको मिलते हैं हम दिल्ली में। सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, और हम लोग दिल्ली 5:30 AM पे पहुंच चुके थे, बट अब हम निकल दिए अपने हॉस्टल के लिए बैक टू होम। एंड अभी जो एग्जैक्ट टाइम है वो है 7 o'clock। सो फ्रेंड्स, परी चौक से कैब मिल चुकी है यूनिवर्सिटी के लिए और हम यूनिवर्सिटी के लिए निकल दिए हैं। फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं। सो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है 9:15 PM और हम हॉस्टल में एंटर कर चुके हैं। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।